हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे रहोगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, एक नए टॉपिक के साथ आज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट रिवर एंड डैम, लिस्ट ऑफ स्टेट रिवर एंड डैम। आज मैं आपको रिवर और डैम और स्टेट तीनों साथ में, ऐसी कोई चीजें नहीं है जो तीनों साथ में बताई जाती है, बट यहाँ पे आज मैं तीनों साथ में आपको बताऊंगा। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आप रियलिटी में बोलोगे कि मजा आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे सारे स्टेट होंगे और यहाँ पे रिवर्स है और यहाँ पे डैम है। तो कौन से स्टेट में किस रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, यही आपको याद करनी है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं और बच्चे रॉन्ग करते थे क्योंकि उनको याद नहीं हो पाते हैं। 28 पूरे राज्य हैं, उनमें कौन कौन से रिवर पर कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन से डैम है, तो ये आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे तुरंत मुझे टेलीग्राम पे मिलोगे और वहां पे मैं अलग अलग पीडीएफ डालते रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 6 रिवर्स लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो में कम से कम 10-20 बता सकता हूँ, बट अगर आपके पास पीडीएफ के रूप में होंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि चीजें पढ़नी याद कैसे करनी है, तो मैं इसके पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो अभी स्टेट दिया रिवर डैम, हमको तीनों को किस तरह से फटाफट याद होता है, तीनों के तीनों उसी टेक्निक से। ठीक है, बट यहाँ पे इसलिए नंबर नहीं है, इसलिए नंबर यहाँ पे नहीं आएंगे, नंबर से कोई रिलेशन नहीं इसका, बट फिर भी हम देखो कितने अच्छे तरीके से इसको याद करते हैं। स्टेट पहला उत्तराखंड है, भागीरथी तेहरी, उत्तराखंड के भागीरथी पे तेहरी डैम है। कौन सा? उत्तराखंड के भागीरथी पे कौन सा डैम है? तेहरी। और आप अगर इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि आप इसको लिख लीजिए, जो चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ उसको आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड पे भागीरथी में तेहरी, अब यहाँ पे कौन से वर्ड बन रहे हैं, कैसे कॉमेडी इमेज क्या बन रही है, देखो उत्तराखंड में उत्तर, उत्तराखंड से कौन सा डैम बन रहा है, उसका कोड क्या बन रहा है, उत्तर, भागीरथी से भगारथ, भागीरथी से क्या बन रहा है, भगारथ, और तेहरी से टेढ़ा, तेहरी से टेढ़ा, तेहरी से टेढ़ा, भागीरथी से भगारथ, यहां से देखो ना, भागीरथी भगारथ, भगारथ उत्तराखंड से उत्तर। तो मैं उस रथ पे बैठा था, मैंने उसको बोला उत्तर की ओर भगारथ, मैंने क्या बोला, उत्तर की ओर भगारथ वो भी टेढ़ा, या फिर ऐसा, उत्तर की ओर भगा रहा है रथ वो भी टेढ़ा, उत्तर की ओर भगा रहा है रथ वो भी टेढ़ा, तो इससे कोड क्या बन गया, उत्तराखंड उत्तर की ओर भगा रहा है रथ, भगा रहा रथ मतलब भागीरथी वो भी टेढ़ा, टेढ़ा मतलब टेहरी। तो ये पहला हो गया। सेकंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पे रिवर है सतलज और उसके ऊपर डैम है बरखा, हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर के ऊपर बरखा डैम। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसको कोड, पहले इसके कोड बना लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हम तो चले प्रदेश, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, तो हम तो चले प्रदेश, हम तो चले प्रदेश क्या करने, हम तो चले प्रदेश सूट लेने, हम तो चले प्रदेश सूट लेने, क्यों, क्योंकि वर्षा आने वाली है, क्या आने वाली है, वर्षा आने वाली है, इसलिए हम तो चले प्रदेश सूट लेने, क्यों, क्योंकि वर्षा आने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश, हम तो चले प्रदेश हिमाचल प्रदेश सूट, सतलुज सूट लेने, सतलुज क्यों, क्योंकि वर्षा आने वाली है, तो बरखा, वर्षा से बरखा, तो यहाँ पे बरखा आने वाली है। ठीक है, हम सूट लेने जा रहे हैं क्योंकि बरखा आने वाली है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट केरल, केरला, तो केरला से करेला बनता है, आप लोग तो इतने जानते हो, करेला करेला केरल करेला, तो केरल से करेला, केरल के ऊपर पेरियार डैम है, पेरियार रिवर पे लड़ूकी डैम है, पेरियार पे लड़ूकी डैम है, केरला में पेरियार पे, पेरियार रिवर पे लड़ूकी डैम है। तो केरला से करेला, पेरियार से प्यार, पेरियार से प्यार, और लड़ूकी, लड़ूकी से लड्डू, लड़ूकी से लड्डू। तो करेला से मैं उसी तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से मैं लड्डू से प्यार करता हूँ, करेला से भी मैं वैसे ही प्यार करता हूँ जिससे, जिस तरह से मैं लड्डू से प्यार करता हूँ। तो आप करेला, केरल से भी उसी तरह प्यार करता हूँ पेरियार जिस तरह से लड्डू, लड़ूकी से करता हूँ। कितना सिंपल है, याद हुआ है? तो करेला हो गया हिमाचल प्रदेश, अब गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात, गुजरात को अगर डिकोड करेंगे तो गुजारा रात, गुजरात से क्या बन रहा है, गुजारा रात, तो गुजारा रात, गुजरात में गुजारा रात, नर्मदा नरम गद्दा, नर्मदा से क्या बन रहा है, नरम गद्दा, तो गुजारा रात नरम गद्दा। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम है किसके ऊपर, नर्मदा रिवर, तो सरदार सरोवर कोड क्या बनेगा, सरदार सालोभर, सरोवर से क्या बनेगा, सालोभर, तो अब बना क्या, गुजारा रात नरम गद्दा पर, गुजारा रात नरम गद्दा पर
सरदार के साथ सालों भर, सरदार के साथ सालों भर। अब देखिए, किस तरह से गुजारा रात गुजरात, नरम गद्दा नर्मदा, सरदार के साथ सालों भर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। देखिए कितना सिंपल और कितनी बेहतरीन तरीके से याद हो रहा है। मात्र अगर 5-6 मिनट आप और देंगे तो पूरा याद हो जाएगा 6, और उसके बाद आप 6 और करिए, धीरे धीरे करिए, एक साथ कोई चीज नहीं होती, धीरे धीरे। और यहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर पे कौन सा, श्री सैलान डैम है, श्री सैलान, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड क्या बना, आंध्र प्रदेश से बना अंधा, आंध्र प्रदेश से अंधा, कृष्णा से कृष्ण, और श्री सैलान से सर सलाम। तो श्री सैलान से सर सलाम। अब देखिए, आंध्र प्रदेश अंधा व्यक्ति जो कि कृष्णा है, अंधा व्यक्ति कृष्ण सर को सलाम कर रहा है, सर को क्या कर रहा है, सलाम कर रहा है। तो अंधा आंध्र प्रदेश कृष्ण किसको सलाम कर रहा है, सर को सलाम कर रहा है। तो क्या आएगा, श्री सैलान। नेक्स्ट पंजाब का कोड बन रहा है पंजा, रवि से रवि बन रहा है, और रणजीत सागर से रणजीत। रण को इधर पे किया और जीत को इधर, और रवि से रवि पंजाब से पंजा। तो रवि का पंजा बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो हर रन क्या करता है जीत जाता है। तो रवि का पंजा पंजाब रवि से कोई तो स्टेट है नहीं तो रवि का पंजा पंजाब रवि बहुत ज्यादा मजबूत है इसलिए वो हर रन जीत जाता है। तो रणजीत सागर, ठीक है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से याद हो चुका है। अब हम देखो स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। हिमाचल प्रदेश से क्या होगा हम चले प्रदेश। अब बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन सी रिवर है, हम चले प्रदेश सूट लेने, क्यों, बरखा आ रही। तो सूट से सतलुज क्यों, वर्षा आ रही है, बरखा आ रही है, इसलिए हम चले प्रदेश सूट लेने क्योंकि बरखा आ रही है, ठीक है। कितना सिंपल है। नेक्स्ट केरला से भी मैं उसी तरह प्यार करता हूँ, प्यार से पेरियार, जिस तरह से मैं लड्डू से करता हूँ, लड्डू से लड़ू की। कितना सिंपल। नेक्स्ट गुजरात गुजारा रात नरम गद्दे पे नर्मदा, किसके साथ, सरदार के साथ सालों भर सरदार सरोवर। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट पंजाब आंध्र प्रदेश अंधा व्यक्ति कृष्णा सर को सलाम कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश अंधा कृष्णा अंधा था तो कृष्णा रिवर, ठीक है, किसको सलाम कर रहा है, सर को सलाम कर, तो श्री सैलान। नेक्स्ट पंजाब रवि का पंजाब बहुत मजबूत है, इसलिए वो हर रन जीत जाता है। तो रणजीत सागर, रवि पंजाब, ठीक है। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। आइए 5 और जान लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी आगे बताऊंगा, और इसके भी पीडीएफ में टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम आगे का 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जान लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, 13 तक देख लेते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही ये इस चीज में आपको परफेक्ट कर सकती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतना तो मैं मानता हूं कि जितना आप इसको रटने में टाइम लगाएंगे, उतना अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इसको लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा, विश्वास कीजिए। आपको जब रीडिंग करने एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो आपको पहले से सारी चीजें आती रहेंगी, आपको ये सारी चीजें पहले से आती रहेंगी, बस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें जल्दी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है बस। तो आप 7, 8, 9, 10 जम्मू कश्मीर 2 बचे हुए, आंध्र प्रदेश एक आंध्र प्रदेश वाला बताया था, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात और एमपी, ये हमको समझना है, ठीक है। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में आपको साथ में याद कराने वाला, तो देखिए जम्मू कश्मीर तो इधर कोड बनेगा जम्मू कश्मीर, इसको जम्मू कश्मीर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर ले लिया, चिनाब से दोनों आपको चीन लेना है, क्या लेना है, चिनाब से चीन। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर फ्लो करती है, तो चिनाब से चीन ले लेंगे। और यहाँ पे दो डैम है, पहला
बगलीहार और दूसरा सलाल, दूसरा सलाल, पहला बगलीहार दूसरा सलाल। तो देखिए जम्मू कश्मीर, अब देखिए कोड क्या बनता है, जम्मू कश्मीर यह चाइना के बगल में है, यह चाइना के बगल में है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड लेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग है और याद रहेगा, साला यूज करना है, साला। तो आप ऐसे बोलेंगे जम्मू कश्मीर चीन के बगल में है साला, ऐसा, जम्मू कश्मीर चीन के बगल में है साला। तो अभी आप ये दोनों याद हो गया, देखिए जम्मू कश्मीर चीन, चिनाब के बगल में, बगलीहार बगल है, बगल में है, तो बगलीहार, तो बगलीहार बगल में है साला, साला से सलाल, साला से सलाल, साला से सलाल। तो जम्मू कश्मीर चीन के बगल में है साला, तो जम्मू कश्मीर चिनाब, चीन से चिनाब बगल में है, बगलीहार साला से सलाल। देखिए कितना मतलब सिंपल है, आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। अगर ध्यान से एक मिनट भी देखेंगे तो आपको दोनों याद होता है। अगर आप इसको रटने बैठेंगे तो ऐसे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पे दो डैम है, एक बगलीहार फिर उसका सलाल, पता नहीं फिर दो दिन बाद याद रहेगा कि नहीं। लेकिन आप ऐसे इमेज बना के, इमेज बनाना है सबसे इम्पोर्टेंट, इमेज, आप इमेज नहीं बना तो भूल जाएंगे। इमेज आपको बनाना, इमेज कैसे, जम्मू कश्मीर बगल में, सच में बगल में है ना, जम्मू कश्मीर बगल चीन के बगल में है साला, चीन के बगल में है साला, तो बगलीहार बगल में है साला, तो सलाल, चीन चिनाब, चिनाब, ठीक है, चीन से चिनाब। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था, आप मुझे कमेंट करेंगे आंध्र प्रदेश में क्या था, आंध्र प्रदेश अभी बताया था पिछला वीडियो में, अभी बताया था आंध्र प्रदेश में इसको कोड करना है आंध्र, क्या करना है आंध्र, अंधा, कृष्णा से मैंने बताया था कृष्ण, ठीक है, तो वहां पे दो डैम है एक्चुअली, कृष्णा आंध्र प्रदेश के कृष्णा रिवर पे दो डैम है। तो कृष्णा रिवर पे दो डैम कौन कौन से है, पहला मैंने आपको बताया था कि अंधा आदमी जो है वो सर को सलाम कर रहा है, श्री सलाम, ठीक है, वो पहले बताया था सलाम, पहला श्री सलाम, दूसरा क्या है आंध्र प्रदेश कृष्णा पे नागार्जुन, नागार्जुन डैम है, नागार्जुन, अब उसको याद कैसे कहेंगे, आंध्र प्रदेश अंधा आदमी कृष्णा, अंधा आदमी कृष्णा, वहां पे भी अंधा आदमी कृष्णा था, अंधा आदमी कृष्णा ने सर को सलाम किया श्री सलाम, अंधा आदमी कृष्ण ने नाक के ऊपर कृष्ण, हाँ अंधा आदमी कृष्ण भगवान को नाक के ऊपर बैठा दिया। देखिए मेरे माइंड में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, मतलब मैं दूसरे वे से ही बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, आप भी दूसरे वे से समझ सकते हैं, बट यहाँ पे चीजें बस समझनी है हमको। तो आप यहाँ पे देखिए अंधा आदमी ने क्या किया, अंधा आदमी ने कृष्ण भगवान को नाक पे बैठा दिया, अंधा आदमी ने कृष्ण भगवान को नाक पे बैठा दिया, तो अंधा आदमी आंध्र प्रदेश कृष्णा, कृष्ण ने कृष्णा नाक पे बैठा दिया, तो नागार्जुन नाक पे बैठा दिया नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोयना डैम है, कोयना रिवर पे कोयना डैम है, तो एकदम सिंपल है, महाराष्ट्र से महाराजा बना दीजिए, महाराजा युद्ध लड़ने गए थे और वो इतना ज्यादा जोश में आ गए थे, मैं बोल रहा हूँ तो आपको इमेज बना दी, इमेज बनाते जाइए, इमेज, इमेज, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जब लड़ने गए तो उसके व्यक्ति, उसके आदमी ने, वो इतना जोश में आ गए महाराजा कि सबको मार रहे थे, अब मरे हुए व्यक्ति को भी तलवार से मार रहे थे, वो मर चुका है फिर भी उसको मार रहे, इतना ज्यादा जोश में आ गए, तो कोई व्यक्ति आजू बाजू नहीं था, सिर्फ उनका एक सैनिक भागते भागते आया, बोला महाराज कोई नहीं बचा है, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा दो बार बोला, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, तो महाराज कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है मतलब कोयना, कोयना, कोई नहीं है, महाराज, महाराज से महाराज कोयना, कोयना, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब चले आप घर पे, कोई नहीं है, सब मर चुके हैं, तो याद आ गया महाराज से कोयना, कोयना, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, उत्तर प्रदेश इंडिया का राइट हैंड है, क्या है, इंडिया का राइट हैंड है, उत्तर प्रदेश इंडिया वालों का राइट हैंड है, इंडिया का राइट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है इंडिया का, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राइट हैंड, रिहंद, रिहंद राइट हैंड, रिहंद राइट, इसको डिकोड किस तरह से किया गया देखो, राइट री, राइट हिंद से हैंड, राइट हैंड, तो राइट हैंड कौन है, उत्तर प्रदेश किसका, इंडिया का, तो अब कभी भी उत्तर प्रदेश आया तो याद रखना, अब क्या कोड करेंगे, इंडिया का राइट हैंड कौन है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश किसका राइट हैंड है, इंडिया का, तो राइट हैंड को डिकोड करेंगे तो रिहंद आएगा, ठीक है, थोड़ा सा दो चार बार पढ़ने की जरूरत है, बस दो से चार बार पढ़ेंगे आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुजरात, गुजरात से मैंने दो बताया था, गुजरात पे दो डैम, आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट करके, गुजरात में दो है, पहला कौन सा है, मैंने पहले दोनों कोड बताता हूं फिर दोनों हम पढ़ते रीड करते हैं। गुजरात, गुजरात टॉप, गुजरात टॉप और उकेई, गुजरात के टॉप रिवर पे उकेई डैम है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, गुजारा रात, गुजारा रात, गुजरात से गुजारा ही रात था, तो गुजारा रात टोप में, टोप जो टोप होते हैं ना, गुजारा रात, मैंने पूरी रात सिर्फ टोप में ही सोया,
और टोप में पानी था। जब मैंने पूरी रात टोप में ही सोया तो सुबह उठा तो टोप के ऊपर कोई लग गए थे, काई। काई क्या लग गया था? काई, काई आप समझते हैं जो ग्रीन ग्रीन होता है, काई। तो उगेई, उसमें उसमें काई लग गई। आप इसको उसमें बना सकते हो, उसमें क्या लग गया? काई। किसमें सो रहे थे हम? टोप में सो रहे थे। तो अब याद आ गया, गुजारा रात हमने दो बार गुजारा रात है। पहला गुजारा रात था नरम गद्दा पे, किसके साथ? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, गुजारा रात किसके साथ? साल भर, ठीक है, आप कमेंट करेंगे। दूसरा, गुजारा रात टोप में, सुबह उठा तो उसमें काई लग गई, उकेई, उसमें काई लग गई, उकेई। नेक्स्ट, एमपी, एमपी में नर्मदा रिवर फ्लो करती है और इंदिरा सागर। ये मुझे याद नहीं है, मैं अभी ऐसा सीधा सीधा बोलूंगा, एमपी में नर्मदा रिवर है, नर्मदा में इंदिरा सागर है, मुझे नहीं याद आता, मुझे मेरे कोड से याद आता। देखो किस तरह से, एमपी, एमपी से मैंने कोड किया हुआ है, एमपी महाराष्ट्र पुलिस, या फिर एमपी जो विधानसभा विधान परिषद हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो एमपी, एमपी नर्मदा, एमपी लोग जो होते हैं वो नरम गद्दा पे सोते हैं। किस पे? नर्मदा, वहां पे भी एक नरम गद्दा था, यहाँ पे भी, ठीक है। वहां पे नर्मदा किस पे था? गुजरात में, ठीक है, गुजारा रात नरम गद्दे पे। अब यहाँ पे एमपी लोग जो है वो नरम गद्दा पे, आप देखो कंफ्यूज, आप सोच रहे हो कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होगे, मैं बता रहा हूँ, आप तीन से चार बार बस पढ़िए, पढ़ने के बाद मुझे बताइए, नहीं याद होगा तो मैं दूसरा टेक्निक लाऊंगा। एमपी, एमपी लोग जो होते हैं वो नरम गद्दे पे सोते हैं और घोर निद्रा में सोते हैं। ये इंदिरा को निद्रा बना दीजिए, क्या बना दीजिए? निद्रा। तो घोर निद्रा में सोते हैं एमपी लोग जो होते हैं, नर्मदा नरम गद्दा पे घोर निद्रा में सोते हैं। तो एमपी में कौन सी रिवर है? नरम गद्दा, नर्मदा, घोर निद्रा, इंदिरा, इंदिरा सागर, घोर निद्रा में सोते मतलब इंदिरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो ये पूरा याद हो गया रहेगा, इसमें से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए 13 हो गया, कितने मिनट में हुआ? 13 हो गया। अब ये 13 कभी नहीं भूलेगा आपको। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या बना पाते हैं हम, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दो था, जम्मू कश्मीर को मैंने दो आप तरीके से बताया आपको, क्या बता? जम्मू कश्मीर यह चाइना के बगल में है, चीन से चिनाब, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर चाइना के बगल में, चिनाब रिवर, बगलीहर बगल में है, बगली में है साला, जम्मू कश्मीर चीन के बगल में है साला, जम्मू कश्मीर चिनाब चीन के बगल में है, चिनाब बगल में है, बगलीहर साला सलाल। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, अंधा आदमी कृष्णा, अंधा आदमी कृष्णा, ये कृष्णा जो अंधा आदमी कृष्णा ने नाग पे, कृष्ण, हाँ सॉरी, अंधा आदमी कृष्ण भगवान को नाग के ऊपर बैठा दिया, नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन डैम, कृष्णा रिवर, आंध्र। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, महाराष्ट्र कोई ना कोई ना। उत्तर प्रदेश, राइट हैंड इंडिया का, राइट हैंड, रिहंद, रिहंद, राइट हैंड, रिहंद, 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 ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। गुजरात, गुजारा रात किसके साथ? दो था, एक था गुजारा रात किसके साथ? गुजारा रात नर्मदा, नर्मदा, गुजारा रात, मैं पहला वाला बता रहा हूँ, गुजारा रात नरम गद्दा पे किसके साथ साल भर? आप मुझे कमेंट करने, मैंने बोला था आप मुझे कमेंट करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुजारा रात गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात का क्या है? गुजारा रात, कहाँ गुजारा? टोप, गुजारा रात टोप। आगे का मुझे कमेंट करिए, मैं बता सकता हूँ, ठीक है, चलिए बता देता हूँ। गुजारा रात टोप, उसमें क्या लग गई? काई, उसमें काई लग गई, क्या लग गई उसमें? काई, ओके, टॉप, टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, एमपी, एमपी, एमपी से मैंने बताया था एमपी हो जाएगा, एमपी से क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। एमपी लोग कहां सोते हैं? नरम गद्दे पे, किस निद्रा में? घोर निद्रा में सोते हैं, इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर, घोर निद्रा में सोते हैं। एमपी लोग कहां सोते हैं? नरम गद्दा, तो नर्मदा में, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको याद हो चुकी रहेंगी। इसके पिछले वीडियो में भी आप ऐसे घर पे रिवाइज करिए, यहाँ पे तो टाइम नहीं है, आप घर पे इसको रिवाइज करके देखिए जरा किस तरह से आपको भी आते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक चीज, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं वहां पे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं बहुत सारे इसी तरह से मेमोरी ट्रेनिंग के वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपको आप चाहते हो उससे जुड़े रहे, मुझसे जुड़े रहे, आपको चीजें आए तो जुड़ जाइए। और एक चीज, आपको मैं कमेंट करने बोला था, अगर अधिकतर कमेंट आएंगे पीरियड टेबल याद करने वाले पे, तो मैं पीरियड टेबल आपको याद करा दूंगा विद नंबर, एक सेकंड दो सेकंड के अंदर मैं आपके सामने बोल के दिखाऊंगा, फिर आप विश्वास कर लेना कि हाँ होता है, ठीक है। तो उस तरह से मुझे कमेंट करिए, ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं पीरियड टेबल याद करा दूंगा मात्र दो घंटे के अंदर, ठीक है। जो आप पूरे साल पूरी कहानी रटते हो एक से लेकर 30 तक, कोई विषय पूछ ले तो आता भी नहीं है,
हम उस कहानी को वापस रिवाइज करते हैं, बट मैं ऐसा बताऊंगा कि रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कहानी नहीं है वहां पे, स्टोरी नहीं है कुछ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।